हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास विथ बेस्ट इंग्लिश स्कूल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग योर होमवर्क डेली। सो इन टुडे क्लास वी आर गोइंग विथ इंग्लिश सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड फोर्थ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन यूनिट 5। सो एवरीवन, please take your textbook with you so easily you can see our unit 5. First of all, we will see the poem. Its name is Don't Be Afraid of the Dark. Poem's name is Don't Be Afraid of the Dark. Now tell me the one thing, आपको डार्क यानी जब अंधेरा होता है तब आप सभी को डर लगता है? यस और नो? यस। तो यहाँ पे हमें पोएट क्या बोल रहे हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, यानी अंधेरे से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अफ्रेड मीन्स डरना एंड डार्क मीन्स अंधेरा। लेट्स रीड। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटल वन, The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to be feared. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles burden will not kiss, but at night the world is at peace. So in this poem the poet is telling that don't be afraid of the dark, yani aapko andhere se darne ki zarurat nahi hai. Little one yani ye jo child hai aapko dikh raha hai picture mein, उसको बोल रहे हैं कि अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अंधेरा यानी डार्क क्यों होता है? रात होती है, नाइट होती है, वो किस लिए होती है? क्योंकि अर्थ है वो क्या होता है, उसने अपना एक राउंड कंप्लीट करते हैं। तो वो जब सन होता है, सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से, और सेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में। तो ईस्ट टू वेस्ट वो पूरा जाता है डे में, उसके बाद वो सेट हो जाता है, इसलिए क्या हो जाती है, नाइट। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, यानी जब डे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अर्थ क्या करती है, रेस्ट करती है। लेकिन पोयम में यहाँ से बताया गया है, जबकि रियलिटी क्या है कि जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती है, इसकी वजह से क्या होते हैं, डे और नाइट। द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर, यानी सन की जो लाइट होती है वो डाउन हो सकती है लेकिन मून लाइट कभी भी डाउन नहीं होती। डू यू नो, स्टार्स जो होते हैं वो दिन में भी दिख सकते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो अपनी प्लेस पे ही होते हैं। लेकिन हमें डे में क्यों नहीं दिखते, क्योंकि जो सन है उसका शाइनिंग जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्टार्स और मून हमें दिखते नहीं है। सो द सन मस्ट बी हार्स बट मून लाइट नेवर एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो हमेशा ही शाइनिंग करते हैं, लेकिन हमें नाइट में दिखते हैं और डे में नहीं दिखते। क्यों? बिकॉज जो सन है उसका शाइनिंग बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें वो डे में नहीं दिखते। और जो नाइट में जो मून होता है उसका लाइट थोड़ा कम होता है, उसका जो लाइट का पावर होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए वो नाइट में स्टार्स क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं और वो हम देख सकते हैं। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर। हमें भी नाइट के साथ दोस्ती करनी चाहिए, नाइट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, आपके जो थॉट्स है आप उसको ट्रैवल, यानी जो आप थॉट्स माइंड में, हमारा क्या होता है आपको पता है, हम जब शांति से बैठे भी होते हैं तब हमारा माइंड क्या करता है, सोचता है, थिंकिंग थॉट्स उसमें आते ही रहते हैं। तो उसको क्या करो, थोड़ा शांत करो। बाय डे इट डज नॉट सीम दैट आवर ट्रबल्स, पूरे दिन तो हम परेशान हो जाते हैं लेकिन नाइट में क्या करना चाहिए,
हमें हमारे माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। और जब नाइट में क्या होता है, लेट नाइट एट द वर्ल्ड इज एट पीस। और जब पूरा गांव यानी पूरी दुनिया क्या करती है, नाइट में शांत हो जाती है। आपने भी देखा होगा डे में रोड के ऊपर कितना वो होता है, ट्रैफिक होता है, साउंड होता है, सबकी आवाज़ आती है, लेकिन नाइट एकदम पीसफुल होती है। इजीली हम जो क्लॉक होती है ना, उसकी जो टिक टिक साउंड होती है वो भी हम सुन सकते हैं। सो लिटल वन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। नाइट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल्सो योर फ्रेंड, आप उसके साथ भी दोस्ती कर सकते हो। लेट्स सी द न्यू वर्ड्स अफ्रेड। ए एफ आर ए आई डी, अफ्रेड मीन्स डरना। डार्क, फियर, डार्क, डी ए आर के, डार्क मीन्स नाइट। रेस्ट, आर ई एस टी, रेस्ट मीन्स आराम करना। देन फॉरएवर, एफ ओ आर ई वी ई आर, फॉरएवर मीन्स ऑलवेज, फॉरएवर मीन्स ऑलवेज। ट्रबल, टी आर ओ यू बी एल ई, ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम, पी आर ओ, परेशानी जो हम कहते हैं वो। देखो अब यहाँ आपको राइमिंग वर्ड मिलेंगे, यू कैन सी हियर, वेट जस्ट अ मिनट। वन, डन, ओ एन ई वन, डी ओ एन ई, डन। देन नेवर, एवर, एन ई वी ई आर, नेवर, एवर, ई वी ई आर, एवर। फियर, एफ ई ए आर, फियर, नियर, एन ई ए आर, नियर। किस, C E A S E, peace, P E A C E, peace, okay? So it's your rhyming word. हमने rhyming word भी सीख लिए। Now let's come to the question answer. Before first of all, you have to write this poem in your notebook and you have to read it loudly at least 2 times. Okay? Then come to the our question answer. So let's come to the question answer of the poem Don't Be Afraid of the Dark. First question is, what is the poem about? Answer is, the poem tells about the fear of darkness and how to overcome that fear. Again, the poem tells about the fear of darkness and how to overcome that fear. Then what happens when the day is over? So answer is, the day is over, the moon and the stars shine in the night. Again, the day is over, the moon and the stars shine in the night. Third one is, what does the earth do when the day is over? What does the earth do when the day is over? So answer is, the earth rests when the day is over. The earth rests when the day is over. Number four is, what does the poet want us to do at night? Answer is, the poet wants us to be friends at night. The poet wants us to be friends at night. So there are 4 question answer. Let's read again. Number one is, what is the poem about? Answer is, the poem tells about the fear of darkness and how to overcome that fear. यानी poem में हमें क्या बताया गया है कि हम darkness, जो night है, अंधेरा है, हम उससे क्यों डरते हैं और हमें उससे क्यों, किस तरह से वो डर को हमें दूर करना चाहिए. The poem tells about the fear of darkness and how to overcome that fear.
Then what happens when the day is over? So answer is, when the day is over, the moon and the stars shine in the night. When the day is over, यानी जब डे खत्म हो जाता है तो मून और स्टार्स क्या करते हैं? साइन करते हैं. कब करते हैं? इन द नाइट. सो when the day is over, the moon and the stars shine in the night. What does the earth do when the day is over? जब डे खत्म हो जाता है अर्थ क्या करता है? The earth rests when the day is over. वो आराम करता है. The earth rests when the day is over. What does the poet want us to do at night? So answer is, the poet wants us to be friends at night. So you have to write this 4 question answer in your notebook after your poem. आप जब पोयम लिख लो उसके बाद आपको ये 4 क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो विद द अदर क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोयम. स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू योर होमवर्क डेली. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज डू योर होमवर्क डेली. बाय, हैव अ नाइस डे.